بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My name is Dr. Muazzam Manzoor. I am founder of topgrade.pk, talking to you from the topgrade headquarters. आपको बताने वाला हूं बेटर टाइम मैनेजमेंट के अप्रोचेस कि बेहतर तरीके से आप लोग अपना जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करेंगे. तो ये सीन है कि इसमें ये एक फैक्ट है, आप इसको जरा रीड कर लें. रिमेंबर यू नो टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एग्जाम सक्सेस. मैनेज योर टाइम वाइजली. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर लेते हैं ऑन द एंट्रेंस एग्जाम, वो अपने टाइम को बहुत ही अकलमंदी के साथ प्लान भी करते हैं और उस प्लान को जो एग्जाम से पहले प्लान करते हैं और फिर एग्जाम में बैठ के उस प्लान को उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हैं, उसी स्पिरिट के साथ एग्जीक्यूट करते हैं. राइट, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसर्निंग है. ओके, उसके बाद अब इसमें देखें टॉक अबाउट द अप्रोचेस. इसमें टाइम मैनेजमेंट के अप्रोचेस के हवाले से पहली जो अहम तरीन बात मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि प्लान योर टाइम एंड पेस योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. अपना जो टाइम है उसको आप लोग प्लान करो और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अपने अपनी पेसिंग करनी है. याद रखना बहुत जल्द एग्जाम को अटेम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है. एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइक स्लो अटेम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है. आपका कमाल इस बात के अंदर है कि टाइम की पूरी गिवन लेंथ को यूज करते हुए आप लोगों ने मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करना है. कोशिश आपने करनी है कि जो एग्जाम का फिनिशिंग टाइम है उससे जस्ट कोई 3-4-5 मिनट पहले आपका एग्जाम फिनिश हो जाए. बस बस आपने इस हिसाब से अपने टाइम की अच्छी वाली प्लानिंग करनी है. मैं अक्सर बच्चों को ये कहा करता हूँ कि टाइम की प्लानिंग इसी तरीके से करनी पड़ती है जैसे आपने किसी जिंदा पकड़ना हो ना, उसके लिए आपको खास लेवल की प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है कि इसी तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे तो इस तरीके से हम उसको जिंदा पकड़ के ले आएंगे, खुद भी सेफ रहेंगे. तो टाइम के लिए आपको जैसे तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, बड़ी सोच समझ के सुपर डुपर कैलकुलेट करके दिमाग के अंदर. इसका बेस्ट वे यही है कि आप इसकी ड्राई रिहर्सल्स करें और अपने माइंड के अंदर इवन जो जिस सिचुएशन में आपने जाना है उस सिचुएशन को माइंड से एक बार गुजारें, अपने स्ट्रेटजी को पक्का करें दिमाग में, फिर उसको प्रैक्टिस करें, जो गलतियां हैं उनको फिर करेक्ट करें, फिर और बेहतर करें. इस तरह से डे इन डे आउट अपने आप को जो है बेहतर करें. अब तक मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग की जो टाइम मैनेजमेंट की अप्रोचेज अच्छी डेवलप हो चुकी हो, बस स्टिल अगर नहीं भी डेवलप हुई मेनिंग टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, दे विल ऑल हेल्प यू टू द ग्रेट एक्सटेंट. यू नो सेकेंड जो अप्रोच है वो ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट द इजियर सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड देन द हार्डर वंस. आपको सबसे आसान बायोलॉजी लगती है जैसे जनरली ये ऐसा होता है, जनरल बच्चों के लिए सीक्वेंस है, आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं. हार्ड एंड फास्ट सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं. इसमें सबसे पहले मैं जैसे सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, बेटा आप लोग बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करो और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, फिर फिजिक्स और एंड पे इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लो. इंग्लिश से पहले फिजिक्स को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी बंदा स्पीड लगाना चाहे लगा भी सकता है, फिजिक्स में अक्सर न्यूमेरिकल्स होते हैं तो स्पीड में वो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ओके, ये ओवरऑल ये सीक्वेंस मेरी तरफ से जनरली सजेस्टेड है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली इस सीक्वेंस को थोड़ा सा अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आल्टर कर सकते हैं. थर्ड जो अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन टैकल द हार्डर वंस. कि अच्छा इसमें जो ना जहाँ पे इस मैं ये कहता हूँ कि आपने आसान सवाल पहले कर लेना फिर आपने एंड पे मुश्किल सवाल करना है. अब इस बात को बहुत सारे बच्चे बड़े रॉन्ग वे में परसीव करते हैं. इस बात का जो सोल पर्पस है ना वो ये है कि जो पेपर आपको आता है उसके मार्क्स जल्दी से आपके पास आ जाए और जो पेपर आपको नहीं आता फिर आप उसके लिए फाइट शुरू कर. तो बच्चे करते क्या है, जैसे फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, ओके क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचे, वो एक लंबा सारा न्यूमेरिकल है उसके ऊपर 3 मिनट लगा दिए, फिर 12 पे पहुंचे, फिर 15 पे पहुंचे, उनके ऊपर भी 3-3, 4-4 मिनट लगा दिए. जबकि एक एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है कितना, टोटल 45 सेकेंड्स. इसको भी मैं कहूंगा माइंड में 40 सेकेंड्स रखें, 5 सेकेंड्स आप लेस ही सोचें इसको. तो आप देखें कि अगर आपने कोई 4-5 सवालों के साथ इतना सारा एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया, राइट, जस्ट सोचते हुए कि जस्ट आई एम एट द वर्ज ऑफ रीचिंग राइट आंसर, तो इससे होगा क्या, इससे मे बी आप उन क्वेश्चन को ठीक भी कर लोगे, उनमें से चाहते एक कोई अच्छा सारों को ठीक कर लो, लेकिन बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम अनआंसर्ड रह जाए, व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल, राइट. तो फिर आप समझ लेंगे से अगर आपने 20 क्वेश्चन को छोड़ ही दिया एंड पे तो आपकी जो मार्किंग होनी है वो 180 पे से होनी, 20 तो
तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने देखिए आपने जो स्ट्रेट जो क्वेश्चंस हैं पेपर के ऊपर ही आप लोग जैसे ये कर सकते हैं, एक आप वो क्वेश्चंस हैं जो इजी क्वेश्चन स्ट्रेट वे आपको आते हैं उनको तो बस आप पढ़ें और उनका आंसर स्ट्रेट वे पिक कर दें, ये भी ना सोचे मैं डॉट लगाऊं दोबारा आगे पिक करूं ये करूं वो, बस पिक कर लें। एक वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि यार मुझे ये अधूरे से आते हैं, मतलब दो ऑप्शंस कंफ्यूज हैं फाइन, एक वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आते ही नहीं। तो जो क्वेश्चंस आपको अधूरे से आते हैं उनके साइड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, जो नहीं आते आपको उनके साइड पे आप कर सकते हैं, उनके साइड पे आप क्रॉस लगा सकते हैं। लेकिन मकसद ये है पहले साइकिल के अंदर, जैसे मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 लंबा सारा न्यूमेरिकल है उसकी 6 लाइनों की स्टेटमेंट है, बस उसको छोड़े आगे चले जाएगा, जल्दी से आप पूरे पेपर में से एक दफा थ्रू हो जाए। हाँ अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की पूरी स्टेटमेंट भी पढ़े ऑप्शंस भी पढ़े 2 मिनट बैठे कैलकुलेट भी करते रहे फिर कहें हाँ मुझे नहीं आता मैं आगे चला जाता हूँ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी, ये काम नहीं करना। आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये काम आपने हरगिज नहीं करना, अगर ये आप करेंगे तब हम मार खाएंगे। ठीक है, तो आंसर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन टैकल द हार्डर वंस, ये है इस फिलोसफी का मकसद। इसमें अच्छा आप लोग पहले साइकिल में सारी इजी क्वेश्चंस को कर लिया, मे बी 200 में से आपने 200 में से 140 आपने कर लिया और आपका टाइम में भी अभी जस्ट हाफ टाइम गुजरा है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 सेकंड ऑन एवरेज। ओवरऑल जो बायो का क्वेश्चन है वो तकरीबन 15 सेकंड लेता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन तकरीबन 20 सेकंड लेता है, और इवन जो इसका जो इंग्लिश का क्वेश्चन आया वो से कि चलो वो सम टाइम जो कंसेप्शन क्वेश्चंस वो इवन अप टू 40 सेकंड्स ले जाते हैं, और फिजिक्स का क्वेश्चन जो 1 मिनट ले जाता है। देखिए आपने जो टाइम बायो केमिस्ट्री से बचाया है आप उसको फिजिक्स पर इन्वेस्ट करो, या आपने जो या इस तरह से भी आप कह सकते हो कि जो टाइम आप लोगों ने आसान सवालों से बचाया, आसान सवालों को आपने मे बी 15 सेकंड में अटेम्प्ट कर लेते हो एक भी इजी क्वेश्चन, तो आपने इजी क्वेश्चन से जो टाइम बचाया है उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करके डिफिकल्ट क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस आपने इंक्रीज कर दिए। इसमें पहले साइकिल के अंदर आपने क्या किया, सारे राइट आंसर्स को टिक कर दिया, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनके साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसमें से भी अगर आपको दो ऑप्शन लग रहा है ये ऑप्शन तो बन नहीं सकते छोटा छोटा उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही राइट नॉट ऑन आंसर शीट, छोटा छोटा क्रॉस लगा दें ताकि जब सेकंड टाइम आप वहां पे आएंगे आपको कम से कम 4 की बजाय 2 ऑप्शन में सोचना पड़े, और जो क्वेश्चन आपको सिरे से नहीं आता उसके साइड पे छोटा सा उसके साइड पे क्रॉस लगा दें, अरे ये क्वेश्चन मुझे सिरे से नहीं आता, इसके तो ठीक होने के चांसेस मेरे सबसे कम है। इसलिए सबसे पहले साइकिल में आप इजी क्वेश्चंस करें, फिर आप सेकंड फ्लोर के अंदर मीडियम क्वेश्चंस वालों को सबको दोबारा निकाल लें, और लास्ट जो टाइम बच जाएगा एंड पे सबसे जो हार्ड क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं 8-10 मिनट होंगे फिर आप मे बी उनके लिए आप 20-25 मिनट बचा सको, फिर आप तसल्ली के साथ उनको भी अटेम्प्ट कर लें। सो दैट्स योर बेस्ट बेट हियर, यही आपका बेस्ट चांस है मैक्सिमल स्कोर लेने का राइट, दिस इज अ साइकिल स्ट्रेटजी। तो इसमें फर्स्ट साइकिल में क्या किया आपने, इजी क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लाइक आपने स्किप कर दिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया सेकंड साइकिल में, और थर्ड साइकिल में जो भी को रह गए हैं क्वेश्चंस उनको आपने अटेम्प्ट कर दिया, और इनकी जो टाइमिंग है आपने सेट कर दी, आपने इस तरीके से सेट करनी है कि भाई आप माइंड में इस तरह स्केच बनाएं कि पहला साइकिल मेरा इतनी देर में हो जाएगा, से अगर 150 मिनट्स हैं 2.5 घंटे हैं तो पहला साइकिल मेरा इसमें से हाफ टाइम में पूरा हो चुका होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ टाइम होगा उसके अंदर मैंने सेकंड और थर्ड साइकिल को लेकर जाना है। हाफ टाइम के अंदर आपका फर्स्ट करेंगे आपका 70% पेपर अटेम्प्ट हो गया, तो रिमेनिंग हाफ टाइम में आपने 30% अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर आपने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस को देखना है। नाउ इट मेक्स गुड सेंस यार, तो दिस इज द अप्रोच फॉर द बेटर टाइम मैनेजमेंट, बेहतर तरीके से टाइम कैसे मैनेज करोगे आप लोग, मैंने ये भी आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।